दिल्ली में कोर्ट के माध्यम से राहुल गांधी, श्रीमती प्रियंका वाड्रा, श्रीमती सोनिया गांधी सवालों के घेरे में आए। हमारे कई पत्रकार वर्ष 2010-11 से एक ऐसी कंपनी के बारे में बार बार किसी न किसी प्रकाशन में तथ्यों को सामने जनता के प्रस्तुत कर रहे हैं, जो श्री राहुल गांधी, श्रीमती प्रियंका वाड्रा और श्रीमती सोनिया गांधी के प्रयासों के माध्यम से टैक्सपेयर्स की संपत्ति को हड़पने का एक अनोखा प्रमाण उजागर करती है। यंग इंडियन नाम की एक कंपनी जिसे स्थापित करते हैं श्री राहुल गांधी इस मंशा के साथ कि वो कोई प्रॉफिट और लॉस नहीं करेगी, खरीदती है एसोसिएटेड जर्नल्स की एक नामक कंपनी को जिसका काम ही कमर्शियल है। क्यों एक कंपनी जिसका काम नहीं है प्रॉफिट या लॉस करना एक कमर्शियल कंपनी को खरीदती है? इस प्रश्न का उत्तर राहुल जी को देना चाहिए। यह प्रश्न मैं राहुल जी से कर रही हूं क्योंकि कंपनी राहुल जी की है, कांग्रेस पार्टी की नहीं है। 2011 में एसोसिएटेड जर्नल्स को जब खरीदा जाता है तो एक तथ्य सामने आता है कि एसोसिएटेड जर्नल्स के पास कांग्रेस पार्टी ने 90 करोड़ का लोन दिया है। राहुल गांधी 90 करोड़ के इस लोन को खरीदते हैं महज 50 लाख रुपए में। क्या हिंदुस्तान में किसी ने आज तक ऐसा कोई उदाहरण देखा जहां पर एक ऐसी कंपनी जिसका काम नहीं है प्रॉफिट और लॉस करना वो दूसरी कंपनी का 90 करोड़ का लोन खरीदे? एसोसिएटेड जर्नल्स प्रकाशित करती है नेशनल हेरल्ड न्यूज़पेपर्स जैसे कांग्रेस के कई मुखपत्र, लेकिन राहुल गांधी से जब एक पत्रकार 2012 में सवाल करते हैं तो उस पत्रकार को राहुल गांधी ईमेल लिखकर कहते हैं कि उनकी कंपनी का ध्येय नेशनल हेरल्ड को प्रकाशित करने का नहीं है। रिपोर्टर का यह बयान, राहुल गांधी का यह बयान 2012 में एक अखबार में छपता है। तो राहुल गांधी 50 लाख रुपए देकर 90 करोड़ का लोन खरीदते हैं, एक ऐसी कंपनी का लोन खरीदते हैं जिसका काम अखबार प्रकाशित करना है, लेकिन पत्रकार को सार्वजनिक तौर पर बताते हैं कि अखबार प्रकाशित करने की मंशा ही नहीं है उनकी। फिर इस कंपनी को खरीदकर क्या कीजिएगा? यह माना जाता है एसोसिएटेड जर्नल्स का आज राष्ट्र में कई शहरों में अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं। ये प्रॉपर्टीज दिल्ली, मुंबई, लखनऊ और हरियाणा जैसे राज्यों में है। इस लोन को खरीदने के बाद राहुल गांधी, श्रीमती वाड्रा, सोनिया गांधी 99% के मालिक बनते हैं उस कंपनी के जो देश में अब हजारों करोड़ की संपत्ति अपने पास रखती है।
इस विषय पर जब इनकम टैक्स की असेसमेंट होती है, इनकम टैक्स में लोग सावधान होते हैं कि संपत्ति और संपत्ति से आई हुई आय के बारे में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास असेसमेंट गलत है, तो राहुल गांधी कोर्ट जाते हैं ताकि इनकम टैक्स अपना काम ना कर सके। कोर्ट में जाकर राहुल गांधी कहते हैं कि मीडिया के ऊपर दबाव बनाया जाए कि मीडिया इस न्यूज को प्रकाशित ना करे। तो वो व्यक्ति जिसे प्रधानमंत्री को गले लगाने में कोई शंका कोई दिक्कत नहीं, वो इनकम टैक्स के ऑफिसर से मीलों दूर भागता है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्न है।